दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों। A community like no other. The Ahmadiyya Jamaat was founded in 1889 in the hamlet of Kadiyan, India. Now boasting well over 200 million followers, its message has reached every corner of this earth. Its founder, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam, called for a renaissance of Islam in which the true teachings of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam were revitalized. Yet more than 100 years later, Ahmadis are beaten, tortured, and even killed for proclaiming that Allah is one and Muhammad is his messenger. They are denied their fundamental universal freedoms of religion, speech, and self-determination by people and governments claiming a monopoly on religious expression. Ahmadis in Pakistan and Bangladesh and a growing number of countries live with uncertain futures as their mosques are burned, their school children mistreated, their husbands killed. Ahmadis are discriminated against in employment, school admissions, and many other facets of daily life. Persecution against Ahmadis is so rampant that the Lawyers Committee for International Human Rights called it both systematic and extensive. The United Nations has gone as far as to pass a resolution requesting the restoration of basic human rights and fundamental freedoms to Ahmadis. Despite this pressure, Ahmadis continue to lose the right to call themselves what they are, Muslims. Yet they also live with the hope of Allah's promises that His Jamaat will succeed in its divine mission. कि तुम जो चाहो कर लो, जितना जोर लगाना है लगा लो। खुदा की कसम, हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों की राहों से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। और अहमदियत का ये काफिला हमेशा आगे ही बढ़ता चला जाए। जिन राहों पर तुम चल रहे हो, तारीख इंसानियत से साबित है कि वो नाकामी और नामुरादी की राहें, वो हमेशा तारीख राहों के तौर पर दुनिया पे जाहिर हुई हैं। और उन राहों पर आने वालों ने नजर डाली तो हमेशा लानतें भेजते रहे उन राहों पर। वो मगजूब अलहिम की राहें हैं, वो जालीन की राहें हैं। लेकिन खुदा की कसम, हम जिन राहों पे चल रहे हैं वो अंबिया और उनके अस्दिका गुलामों की राहें हैं। और ये वो राहें हैं जो कहकशाएं बनकर आसमान पर चमका करती हैं। बस एक आसमान की कहकशानों को हमने देखा जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अवलीन ने अपने कदमों से बनाई थी। और ऐ देखने वालों, देखो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम आखरीन में ज़ाहिर होने वाले आप फिर इन कहकशानों को अपने खून से बना रहे हैं, अपनी कुर्बानियों से रोशन कर रहे हैं उनको। और आइंदा ज़माना इन राहों को देखेगा, इन चमकती हुई कहकशानों को, और इनसे सबक हासिल करेगा। और इन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलामों पर हमेशा रहमत और दुरूद भेजता रहेगा। बस मुबारक हो तुम जो इस लैलतुल क़द्र के ज़माने को पाने वाले हो, मुबारक हो तुम जिन्होंने अपनी कुर्बानियों से साबित कर दिया कि वो खुदा की कदर के लायक बन गए, खुदा की कदर के लायक ठहराए गए। बस जो जोर लगता है तुम लगा लो, ऐ दुश्मनान अहमदियत, जितने अहमदी शहीद करना चाहते हैं शहीद कर लो। खुदा की कसम, हमारा खुदा हमारे साथ है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा हमारे साथ है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का खुदा हमारे साथ है, आपके आशिक़ सादिक़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का खुदा हमारे साथ है। तुम लाजमन नाकाम और नामुराद होकर मरोगे। और अहमदियत के लिए वो सुबह ज़रूर तुलू होगी जिसके मतलब खुदा फरमाता है और कुरान में वादा करता है, हे अहत्ता मतलाइल फजर, जिसके मतलब खुदा तआला फरमाता है, हे अहत्ता मतलाइल फजर, ए मेरे बंदो, ये रात जारी तो रहेगी लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये दुख हैं मगर मैं इन दुखों को कदर और प्यार की निगाह से देख रहा हूँ। बस मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, हे हत्ता मतला अल फजर, ये मतला फजर तक की बातें हैं और फजर का तुलू होना ज़्यादा देर की बात नहीं रही। पथराव, मार धाड़, शहादतें इसलिए हो रही हैं कि अहमदी ऐलान करते हैं कि रब्बना इन्ना समय ना मुनादी युनादी लिल ईमान, कि ऐ हमारे रब,
हमने एक आवाज़ देने वाले की आवाज़ सुनी जो ईमान की तरफ बुलाता है। इंडोनेशिया में जमाती इमारात पर पथराव किया जाता है, मस्जिदों में तोड़फोड़ की जाती है, लोगों को मारा पीटा जाता है, इसलिए कि इन लोगों ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के इरशाद पर लबैक कहते हुए आने वाले मसीह मेहदी को मान लिया। अगर हुकूमतें खड़ी होंगी तो वो बिखर जाएंगी, अगर तंजीमें खड़ी होंगी तो वो पारा पारा हो जाएंगी। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि बाज़ दफ़ा बाज़ इलाही जमातों को इम्तिहानों में से गुज़रना पड़ता है। हर रहमदी का काम है कि दुआएं करते हुए नहायत सब्र व इस्तिक्लाल के साथ इन इम्तिहानों से गुज़र जाएं। आखिरी फतह हमारी है और यकीनन हमारी है, और दुनिया की कोई ताकत इस फतह को नहीं रोक सकती। ये खुदा की बातें हैं जिनका इसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया है। ये पूरी होंगी और ज़रूर पूरी होंगी इंशाल्लाह। दुआ ही कथा मौजज़ा के असा साहिरो। वो दुआ जो अल्लाह ताला का रहम हासिल करने के लिए आजकल पढ़नी चाहिए, उसमें एक ये दुआ भी है कि रब्बाना आमना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। ए हमारे रब, हमें मान ले आए, बस हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर है।